गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट, पेज नंबर 32 पे आपको पहले मैंने एग्जांपल ये एडिंग जीरो वाला समझा दिया था, जिसमें हमने जीरो प्लस किया था और वन प्लस किया था। सिक्स को किसी भी नंबर के अंदर हम वन प्लस करते हैं तो हमको आगे वाला नेक्स्ट नंबर प्राप्त हो जाता है, और जब जीरो का प्लस करते हैं हम तो हमको सेम नंबर प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे कि फोर में हमने जीरो प्लस किया तो सेम नंबर प्राप्त हुआ था फोर। अब आगे देखो, राइट द मिसिंग नंबर दिए गए हैं, वो आपको नोटबुक के अंदर नोट नहीं करने थे, अब ये आपको नोटबुक के अंदर भी नोट करने हैं। राइट द मिसिंग नंबर्स, ये आपको क्या करने हैं, नोटबुक के अंदर भी नोट करने हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है 9 + 1, यानी 9 के अंदर हम वन नंबर को प्लस करेंगे तो नेक्स्ट नंबर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 9 + 1 = 10, ठीक है। अब आगे सेकेंड वाला देखो, 3 + 3 + फिलअप करना है यहाँ पे इक्वल 4, हम 3 में हम कौन सा नंबर को प्लस करेंगे जो हमको 4 नंबर प्राप्त होगा। तो हमने बताया था जब किसी में 1 प्लस करते हैं तो क्या आपको हमको 3 के बाद नेक्स्ट नंबर 4 प्राप्त होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 3 + 1 तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। आगे देखो 7 के अंदर हम क्या प्लस करें, यहाँ पे फिलअप दे रखा है पहले बॉक्स के अंदर +7 = 8, तो 7 के अंदर हम क्या प्लस करें जो हमको 8 नंबर नेक्स्ट नंबर प्राप्त हो, तो 1 प्लस करेंगे तो 1 + 7 = 8। मैंने आपको ये भी बताया था, एग्जांपल के अंदर आपको समझा दिया था, किसी भी नंबर के अंदर 1 प्लस करते हैं तो हमको इसके बाद वाला नेक्स्ट नंबर प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो हमको नेक्स्ट नंबर प्राप्त हो गया इसमें। अब आगे देखो इधर, 5 + 0 = 5, यानी 5 के अंदर हम कौन सा नंबर प्लस करें जो हमको 5 प्राप्त हो, तो हम किसी भी नंबर के अंदर 0 को प्लस करते हैं तो हमको सेम नंबर प्राप्त हो जाता है। तो 5 हमको सेम नंबर प्राप्त करना है तो हम क्या किसको ऐड कर देंगे यहाँ पे 0 को, ठीक है। तो इसमें क्या फिलअप कर देंगे 0। अब 9 के अंदर भी हम क्या प्लस करें, क्या ऐड करें जो हमको 9 प्राप्त हो, तो यानी कि 0 प्लस करेंगे तो हमको सेम नंबर प्राप्त हो जाएगा, तो 0 + 9 = 9। ऐसे ही थर्ड वाला देखो, 6 में हम क्या ऐड करें जो हमको सेम, 6 के अंदर हम 0 ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 6, हमको सेम नंबर प्राप्त हो जाएगा। ये आपको नोटबुक के अंदर नोट करना है, किसी भी नंबर के अंदर अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो हमको नेक्स्ट नंबर प्राप्त हो जाता है, और अगर 0 को ऐड करते हैं तो हमको सेम नंबर प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये आपको नोटबुक के अंदर नोट करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।